इस वीडियो में हम इलिप्स जनरेशन एल्गोरिदम के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम सब स्टेप देख लेते हैं एल्गोरिदम का, एंड उसके बाद उस इसका एक प्रोग्राम लिखेंगे जो कि सी प्लस प्लस में कोड किया होगा, और उसको रन करा के देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टेप देख लीजिए। इलिप्स को ड्रॉ करने के लिए हमको सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस मालूम रहना चाहिए, एंड जो इलिप्स का सेंटर भी मालूम रहना चाहिए। सबसे पहले हम इलिप्स का सेंटर एंड सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस इनपुट लेंगे, एंड उसके बाद डिसीजन पैरामीटर फाइंड करेंगे। एंड आगे का ये सारे स्टेप करने के बाद इस वीडियो का बस यही मोटो है कि आपको इस एल्गोरिदम के जो भी स्टेप लिखा हुआ है उसको एक प्रोग्राम के थ्रू रन करा के आपको बताया जा सके। तो जो भी एल्गोरिदम है आपको ये सब मिल जाएगा, बट जो ये प्रोग्राम है वो अभी नहीं मिलेगा कहीं भी। तो आप प्रोग्राम को अच्छे से देख लो। जितने भी आपको कोड दिख रहा है ये एल्गोरिदम के थ्रू लिखा गया है, और एल्गोरिदम के थ्रू हम एक इलिप्स ड्रॉ करेंगे। बट मेरे पास एक फंक्शन भी होता है, उसके थ्रू भी हम एक इलिप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम दोनों को देखेंगे। पहले इसको रन करा के देखते हैं। ये जो आया है इलिप्स, ये मेरा एल्गोरिदम के थ्रू आया है। अब हम देखेंगे कि कोई फंक्शन के ये इसका एक फंक्शन आता है और वो छोटा सा एक कोड होता है उसको लिखते हैं और वो इलिप्स मेरा दे देता है। ये रहा मेरा फंक्शन और ये इलिप्स, ये रहा फंक्शन। ये बस इतना ही लिखो वही काम करेगा, और पीछे वाला जो एल्गोरिदम था वो भी उतना लिखो वही काम करेगा। तो इसको रन करा के देखते हैं। ये मेरा आ गया एक फंक्शन के थ्रू इलिप्स ड्रॉ हो गया। वैसे जो भी मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसके लिए अलग अलग एक फंक्शन होता है, और फंक्शन के यूज से भी हम डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं, एंड ये एल्गोरिदम के यूज से भी हम ये डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं।